कब्र अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिहान व्लॉग। दोस्तों आज हम मौजूद हैं रेंगर खान में, और आज जिस मकाम का हम आपको विज़िट करवाने के लिए जा रहे हैं तो उस मकाम का नाम है मस्जिद भुंग। साकाबाद से आगे ये मस्जिद मौजूद है, तो आज हम आपको उस मस्जिद का विज़िट करवाएंगे। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। लेट्स स्टार्ट।
दोस्तों आज हम मौजूद हैं रहीमयर खान के नवाई कस्बे भुंग में, और यहाँ पर मस्जिद भुंग फन तामीर का लाजवाब शाहकार, दुनिया भर के सियाहों का मरकज़ बन चुकी है। ये मस्जिद भुंग सतह ज़मीन से 30 फुट ऊपर बनाई गई है, और इस मस्जिद की तामीर में तुर्की, ईरान, बरसगीर के 1000 से ज़्यादा कारीगरों ने इसमें हिस्सा लिया, और इस मस्जिद की तामीर में तकरीबन 50 साल लगे। और इस मस्जिद की तामीर 1932 में इस मस्जिद के बानी गाजी मोहम्मद ने इसकी तामीर शुरू की, और ये मस्जिद इस्लामी दुनिया में बहुत मशहूर है। भोंग मस्जिद में तकरीबन 5000 नमाजियों के नमाज अदा करने की जगह मौजूद है, और इसके मरकज़ी हाल को सोने चांदी के पानी से और दूसरे कीमती पत्थरों से सजाया गया है, और ये दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद को बनाने में संगे मरमर के अलावा बहुत से कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, और हम कोशिश करते हैं आपको इस मस्जिद को पूरा विज़िट करवाते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये मेरे बिल्कुल पीछे मस्जिद का मरकज़ी गेट है, जो आजकल मुहर्रम की वजह से बंद है, और आपको नज़र आ रहा है पीछे अल्लाह और मोहम्मद सल्लम लिखा हुआ है, और पीछे ये कुरान मजीद की जो है ना रेल का नमूना बिल्कुल बनाया गया है, ये आपके सामने नज़र आ रहा है। क्योंकि आजकल जो है ना मुहर्रम की वजह से बंद किया हुआ है, तो हमारा वहाँ तक जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बाकी हम आपको तमाम मस्जिद का विज़िट करवा रहे हैं, आएँ हम दिखाते हैं आपको। ये हम आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहते हैं, ये संगे मरमर जो है ना उसको तराश के खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है, और इसके अलावा हम आपको और भी दिखाते हैं। ये जो आपको टाइल नज़र आ रही है, इस पर जो निशान नज़र आ रहे हैं आपको, इस टाइल पर जो निशान नज़र आ रहे हैं, ये सकाफत चोलिस्तान को ज़ाहिर करता है, क्योंकि ये रेत के जो है ना टीले जो है ना उनको ज़ाहिर किया गया है, ये उसकी सकाफत को शो करती है। और ये नीचे भी आपको पूरी मस्जिद के ऊपर इस तरह के जो है ना संगे मरमर की टाइल्स वो नज़र आएंगी, और इस पर इस तरह के निशान नज़र आएंगे। माशाल्लाह खूबसूरत मस्जिद है, और गाजी मोहम्मद ने इसकी तामीर करवाई थी 1932 में। इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता ये मस्जिद है, और दुनिया में 8वें नंबर पर इस मस्जिद जो है ना वो मशहूर है।
भोंग मस्जिद में आज आपको विजिट करवा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। गाजी मोहम्मद ने इसकी तामीर 1932 में करवाई। इसकी तामीर में तुर्की, ईरान और परस्किर के तकरीबन 1000 से ज़्यादा कारीगरों ने हिस्सा लिया और इसकी तामीर 50 साल में कम्प्लीट की गई। और आप जिसको हम आपको दिखा रहे हैं इस मस्जिद को, मेरे साथ दिल भाई मौजूद हैं। दिल भाई कैसा लग रहा है आपको आज? फर्स्ट टाइम मैं भी आप यहाँ आया हूँ, आप भी फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर भोंग मस्जिद का देख के? आपको इस्लाम की ताकत और कुव्वत दिल में बढ़ती है जी। ये वो चीज़ है कि ऐसी जगहों पर आना चाहिए और अपने मज़हब को, तहजीब को और दीन इस्लाम को देखना चाहिए कि वो कितना खूबसूरत है। थैंक यू।